दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, जय शिव राय। और देरी से लाइव आने के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और मैं अपना सबसे पहले तो अपनी जो टीम है मैं उस सबके साथ आपका एक परिचय करा देता हूँ। और वैसे भी लाइव के लिए हमारी आज ये पहली कोशिश है, फर्स्ट टाइम हम इंटरनेट के थ्रू लाइव आ रहे हैं। मेरा नाम मराठा ललित दादूपुर, मेरे बाईं तरफ मराठा पवन एक्स चेयरमैन, मेरे पड़ोस का गांव है मंजूरा से है पवन चेयरमैन, गांव मंजूरा, जय शिवराय। मेरी दाईं तरफ मेरे ही गांव से हैं मराठा सुरेंद्र जी, जय शिवराय सुरेंद्र मराठा दादूपुर। मेरे पीछे भी मेरे ही गांव से हैं मराठा, जय शिवराय दीपक जी, दीपक मराठा दादूपुर। और दो हमारे युवा साथी कैमरे के पीछे हैं, वो भी दोनों मेरे ही गांव से हैं, वकील मराठा जी और राजन मराठा जी। वकील को सावन के नाम से जाना जाता है, गांव में हम प्यार से वकील बोलते हैं। जैसे कि आप सभी को हमने सूचित किया था कि हम तथ्यों के साथ इस विषय पे आएंगे कि हम रोड क्यों नहीं है। दोस्तों, हमारी भी जो समाज है, इस मेरा जो ये टॉपिक है ना, मैंने इसको 3-4 हिस्सों में बांटा हुआ है। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये रोड जाति जो हरियाणा में रह रही है, इसके प्रति अन्य जातियों में क्या धारणाएं हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचती आई हैं। सबसे पहले तो उनको भी जानना जरूरी है ना कि वो हमारे बारे में क्या सोचती हैं। जो हमारे आसपास की जातियां हैं, खास तौर पर जो जिसको हम बड़ी जाति बोलते हैं, मतलब कि जो जनरल कास्ट जिसको हम बोलते हैं, वो इज्जत तो देती हैं पर उस तरह की इज्जत नहीं देती जितनी वो स्वयं को देती हैं, समझ। उसका कारण क्या है कि वो यहाँ पे उत्तर भारत में जो 36 अक्षत्रिय जातियां रजिस्टर्ड है, उन रजिस्टर्ड जातियों में उनका नाम है और हम भी अपने आप को अक्षत्रिय बोलते हैं, लेकिन हम उस जो रजिस्टर्ड जो वो जातियों की जो किताब है उसमें हमारा नाम नहीं है, ठीक है। लेकिन हम रंग, वेशभूषा, चाल डाल, कामकाज, इन सब हिसाब से हम भी उनसे 21 हैं, 19 नहीं हैं, परंतु रजिस्टर्ड ना होने के कारण वो हमें उस नज़र से नहीं देखती हैं। भले ही चाहे हम अपने आप को कितना ही बार बार बोलते रहे कि हम अक्षत्रिय हैं, बल्कि हमें एक उल्टा अलग से एक ठप्पा दे दिया गया कि जो 36 अक्षत्रिय जातियों में तो इनका नाम नहीं है, ये तो 37वीं आए हैं, बिना रजिस्टर्ड आए हैं, यही हमारी कास्ट के साथ एक नाम दिया गया है। दूसरा, जट्टो वर्गे हैं ऐसा बोलते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कि जट्टो वर्गे हैं, लेकिन जाट खुद नहीं मानते हमें कि हम उन वर्गे हैं, ये हमारा खुद का मानना है। जब कोई दूसरा हमसे पूछता है, किसी हम अपने से अपने एरिया से मतलब थोड़ा दूर चले जाएं, 60-70-80 किलोमीटर दूर चले जाएं, अगर वहां जाकर हम अपनी जाति के बारे में जब हम बताते हैं, तो हम अगर रोड बोले तो वो रोड के नाम से जानती नहीं, तो उस जगह पर हम ये बताते हैं कि जाटो वर्गे हैं। तो मेरा सोचना ये है कि उस समय हम यही क्यों बोलते हैं कि हम जाटो वर्गे हैं, हम राजपूतों वर्गे, यादव वर्गे, ईर वर्गे या ब्राह्मणों वर्गे, ये भी तो जनरल जाति है, इनका नाम क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब तीसरा, हमारे समाज में एक आटा साटा प्रथा दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी बहन की शादी किसी दूसरे घर में की, लड़के के साथ की, उस लड़के की बहन की शादी मेरे साथ होगी, आटा साटा प्रथा है। अन्य समाज में, अन्य अक्षत्रिय जातियों में खास तौर पे जो हमारे आसपास रह रही है, उनमें ये देखने को नहीं मिलती है, उन चीज को भी वो देखते हैं कि ये है क्या। तीसरा, जब हम कहते हैं कि हम राजा रोड के वंशज हैं, हम राजा रोड की औलाद हैं, हमारा भी एक राजा हुआ है जिसका नाम राजा रोड था, तो इसके बारे में फिर वो कहते हैं कि हमने इस बारे में तो कभी सुना नहीं इतिहास में, कभी पढ़ा भी नहीं। फिर वो तरह तरह के अन्य और सवाल भी हम दागते हैं, जैसे कि वो राजा रोड कब हुआ, किस सन में हुआ, उसका राज्य कहाँ पे था, या उसकी कोई औलाद भी हुई होगी, उसकी कहीं शादी भी हुई होगी, तरह तरह के मतलब इससे रिलेटेड 15 तरह के सवाल आते हैं। या ये पूछते हैं कि कोई उस राजा का कोई सीमाएं भी थी, उसका कोई सेनापति भी था,
ठीक है, उससे किसी से युद्ध भी हुआ होगा या उसका कोई किला हो, इस प्रकार से मतलब कि हमसे 50 तरह के सवाल पूछते हैं, लेकिन इन चीजों का हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरा, जो ये अन्य जातियां हमारे बारे में सोचती है दोस्तों, ठीक है, फिर अब मैं आपको जो रोड जाती है वो अपने बारे में खुद क्या सोचती है, उनमें मतलब क्या क्या भ्रांतियां हैं, उनके अंदर क्या क्या विचार चले हुए हैं, मतलब कि सैकड़ों वर्षों से, थोड़ा मैं उनके बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी ये बताते आए हैं कि मुस्लिम राजा को हमने डोला नहीं दिया था, मतलब कि उसने लड़की मांगी थी हमारे राजा से, या तो आप अपनी लड़की मुझे दे दो, या अगर लड़की नहीं देते हैं तो मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और मैं आपके राज्य का अपने राज्य में विलय कर लूंगा। लेकिन इस शर्त को हमारे राजा ने माना नहीं था, डोला नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन हमारे बुजुर्ग हमें ये नहीं बता के गए कि वो किस राजा ने मांगा था, वो मुस्लिम राजा मतलब कौन था हमसे डोला मांगने वाला, ना हमें उस सन का पता किस सन में मांगा गया था। बस सिर्फ यही एक विचारधारा चलती आ रही है अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी को बताया जा रहा है कि मुस्लिम राजा ने हमसे डोला मांगा था और हमने दिया नहीं था, इसलिए हमने वो जगह छोड़ के उजड़ के दूसरी जगह आके बस गए, ठीक है। एक हमें ये बताया जाता था कि हम बादली से आए हैं और आज तक 15-20 साल तक यही माना जाता था कि बादली जो एक दिल्ली के पास में जो बादली है 5-7 किलोमीटर के एरिया में, 10 किलोमीटर के एरिया में दिल्ली में रहते हैं, भी हम वहां से उठ के आए हैं, हम उस बादली से आए हैं और राजा ने मुस्लिम राजा ने हमसे डोला मांगा और हमने वो दिया नहीं, तो वहां से उठ के हम यहाँ पर आके रहने लग गए हैं। लेकिन एक हमारी समाज में ये बात भी चली है कि हम सुलुम्बन बोलते हैं रक्षाबंधन को दोस्तों, कि हम सुलुम्बन के दिन उजड़े थे, वो दिन सुलुम्बन का था जिस दिन मुस्लिम राजा ने हमारे राजा से डोला मांगा था, ठीक है, और हम उस दिन आए। लेकिन किसी भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी को यह नहीं पता कि हम नेतृत्व में किसके उजड़ के आए हैं, किसी ने हमें नेतृत्व तो दिया होगा भी, हाँ चलो यहाँ से उठ के हम दूसरी जगह पे चलते हैं, ये नहीं किसी को पता। हम जाति से रोड हैं, वंश अक्षत्रिय है, लेकिन अब अक्षत्रिय कैसे है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अक्षत्रिय एक वंश भी होता है और अक्षत्रिय एक जाति भी होती है, ठीक है। अब या तो हम अक्षत्रिय जाति हो, अगर हम अक्षत्रिय जाति हैं तो फिर रोड जाति कैसे हैं, और यदि हम अक्षत्रिय वंश से हैं तो हमारा उस वंश में नाम क्यों नहीं है, ठीक है जी। तो यहां ये भी सवाल है। अब कुछ कुछ बातें हमारे समाज में भी चलाई गई हैं, हमने फलाने गांव का खेड़ा बसाया, हमने फलाने गांव का जाट समाज का गांव का खेड़ा हमने बसाया, उस गांव का खेड़ा हमने बसाया। ये बोलते हैं जब वो खेड़ा हमने बसाया वो 600-700-800 साल पहले बसाया हुआ था, ये बातें बोली जाती हैं। और जब उनसे ये सवाल किया जाता, ठीक है भाई हमने जैसे कि हरसोड़ा गांव है, डिस्ट्रिक्ट कैथल में पड़ता है पाई रोड की तरफ, कि उसमें जो जाट समाज का वो गांव है, लेकिन उस गांव का जो खेड़ा है वो हमारे समाज के लोगों ने बसाया, उस समाज का जो हमारे समाज का वो जो गोत्र है वो बोदले गोत्र है, ठीक है, और बोदले गोत्र गांव पर बना हुआ सेकंड जो लार्जेस्ट विलेज है वो हमारे समाज का पपनावासी है। अब जो जाके खेड़ा बसा रहे हैं हरसोड़ा गांव का, वो तो वही आज भी 50-60 उनकी वोट है, जनसंख्या मान के चलो उनकी 100 होगी, लेकिन जिनका खेड़ा बसाया, मान लो कि वहां जाट समाज या ब्राह्मण समाज, एक गांव में समाज सभी रहते हैं, कोई एक समाज से कोई गांव नहीं बसता, वो समाज आज हजारों की संख्या में है, तो ये बात कैसे हो सकती है कि बसाने वाला तो 50 की संख्या में और जिसको बसाया गया वो हजारों की संख्या में पहुंच गया, तो ये बात यही कंट्राडिक्शन हो जाती है कि ये बात तथ्यों पे सही नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रांति के तौर पे फैलाई गई है, ठीक है। अच्छा, हमें रोड राजे के नाम से बुलाया जाता है दोस्तों भी, अगर मान लो हम कहीं जाते हैं अन्य समाज का कोई आदमी वहां बैठा है तो हमें इज्जत देने के लिए वो ये बोलता, आओ जी रोड राजे साहब, मतलब हमारे नाम के साथ वो राजे शब्द लगाता है। जैसा कि मेरे नॉलेज के अगर मैं अनुसार बताऊं तो राजे शब्द यहाँ अन्य किसी जातियों के साथ, खासतौर पर किसी भी अक्षत्रिय जाति के साथ नहीं लगाया जाता, ठीक है ना दोस्तों, कि ये हमारी जाति के साथ ही लगाया जाता है। लेकिन क्यों लगाया जाता है, इस सवाल का हमारे पास मराठा इतिहास आने से पहले कोई जवाब नहीं था, ठीक है। हम भैया दूज नहीं मनाते हैं, क्यों, क्योंकि ये बात मैं दोस्तों 40-45 साल पहले की बोल रहा हूँ, आज तो मना रहे हैं भैया दूज भी नहीं मानते थे सर। अच्छा।
जी ठीक है, तो 40-45 साल पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बात तो स्वयं मेरे पिताजी भी मेरे को बोलते हैं, जो जिनकी आयु आज 74 ईयर्स हो गई है, एजुकेटेड है, कि हम अपनी बहन की जी मतलब 45 साल पहले शादी की थी, उससे पहले भी लोग मतलब अपनी बहनों की भैया दूध नहीं देने जाते थे, आज मना रहे हैं, ये टाइम चेंज हो गया है। तो ये काम महाराष्ट्र में भी नहीं होता, भैया दूध नहीं मनाते हैं लगभग, ठीक है। दूसरी बात, एक ब्याह की पीली छुट्टी होती है जो लड़की वाले लड़के वाले को देने जाते हैं, उसको पीली चिट्ठी बोलते हैं, मतलब जिस पर हल्दी आदि का लेप लगा होता है, उसको लड़के वाले हमेशा संभाल के रखते हैं, मतलब किसी की बुआ की शादी या किसी की बहन की शादी या किसी की बेटी की शादी, या आपको हो सकता है उस घर में 2 या 3 पीढ़ी की भी वो पीली चिट्ठी रखी हुई मिल जाएगी। तो उस पीली चिट्ठी में लड़के वालों को अपनी जाति बतानी होती है, या दोनों पक्षों को बतानी होती है, उसमें कभी भी हमारे समाज ने जाति का जो कालम है वो नहीं भरा, यानी कि उसमें रोड लिखना होता था, शब्द जो जाति हमारी है वो नहीं भरा, मैक्सिमम तो वो खाली पड़ा है। अगर आज भी हम पुरानी चिट्ठियों को उठा के देखें, अगर आज थोड़ा वो देखें तो उसमें अक्षत्रिय लिखते हैं। तो हमारा यहाँ ये भी सवाल उठा भी, अगर हमारी जाति रोड है, देखो सबसे बड़ा किसी भी समाज का कोई काम होता है शादी विवाह, भी उसका एक मुख्य कार्य है, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि जब लड़का और लड़की वाले आपस में संबंध बनाते हैं तो उसमें अपनी अपनी मतलब गोत्र का, अपनी जाति का, इस तरह की मुख्य मुख्य चीजों का वो विवरण देती हैं। लेकिन हमारी जाति ऐसे विशिष्ट मौके पे भी अपनी जाति का विवरण नहीं देती, क्योंकि रोड ये खुद को मानते नहीं, और जो इन्होंने मराठा है वो इन्होंने बताने उचित नहीं समझी उस टाइम तक की हमारी जो ओरिजिनल जाति है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1761 के युद्ध में क्या कारण बने थे, उस बातों पर मैं नहीं जाऊंगा, उन बातों में मैं आगे जाऊंगा। इस वजह से इन्होंने अपनी मराठा जाति कभी लिखी नहीं और रोड बताई नहीं खुद को। तो ये ऐसी ऐसी ही चीजें हमें बताती हैं कि भी हम रोड नहीं हैं, कुछ और ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब थोड़ा सा मैं इस बात पे भी आता हूं कि जो रोड जाति का जो इतिहास है, मतलब पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि अन्य जातियां रोडों के बारे में क्या सोचती हैं, दूसरी बात मैंने ये बताया कि रोड जाति के अंदर ही अपने स्वयं के बारे में क्या क्या प्रथाएं मतलब बातचीत चली है जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं जो इतिहास के झरोखे से ही बताता हूँ, जो कवि लोग हैं, राइटर लोग हैं, उन्होंने हमारी जाति के बारे में क्या लिखा, कैसा लिखा, अब क्यों लिखा, ये तो वही जाने लिखने वाले, लेकिन जो इतिहास में उपलब्ध है, जिनको हम पढ़ें, हम ही क्यों पढ़ें, उनको अन्य समाज के लोग भी पढ़ते हैं, पुस्तक कोई किसी एक की तो होती नहीं है कि किसी एक के लिए लिखी गई है वही पढ़ेगा, पता नहीं अब उन्होंने हमारे समाज को नीचा दिखाने के लिए ऐसा ही क्यों लिखा। जैसे कि अब मैं नाम नहीं लूंगा, किताबों के नाम नहीं लिखूंगा, अब एक इतिहासकार ने क्या लिखा है कि हमारा एक मोहाना गांव है, महले गोत्र से है, दिल्ली के पास ही पड़ता है, उस इतिहासकार ने उसमें क्या दिखाया है कि मोहाना गांव से रोड बिरादरी की लड़की राणों में चली जाती है, उनसे आगे ये जाति बढ़ी है, मतलब एक नीचता का काम किया है, ठीक है। कुछ जातियों ने राजा रोड के नाम पर गीत बनाए हुए हैं कि राजा रोड बंजारण को लेके दौड़ गया, राजा रोड बंजारण को लेके भाग गया, एक लोकगीत बनाया, लोकगीत के रूप में उनको वो सुन रहे हैं, ये भी हमारे समाज के प्रति चलाया हुआ है। देखो हम इतने उच्च कोटि के लोग हैं, हमारा रहन सहन, खाना पहनावा, रंग व्यवहार इतना साफ स्पष्ट है कि कोई भी देख के बता देगा क्या हम हमारे पूर्वज ऐसे नहीं होंगे, तो क्या हम बंजारण के पेट के हैं। अब कोई मुंह पे ना बोले, आगे पीछे पे तो बोलेगा, अगर हम ज्यादा किसी चर्चा करेंगे समकक्ष के साथ, समकक्ष में ना किसी अक्षत्रिय जाति वाले के साथ अगर हम वो चर्चा करते हैं, ये भी हमारे बारे में थ्योरियां चला रखी हैं। एक अपने मेरे ही समाज के आदरणीय श्री रामदास रोड जी हैं, शिमला मुलाना गांव है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में सॉरी, उन्होंने भी हमारे समाज के प्रति अपनी एक किताब में लिखा है, मैंने भी बड़ा बड़ा दिल लगा के 2014 में वो किताब पढ़ी थी, चलो भी मेरे समाज के राइटर हैं, उन्होंने लिखा, शायद हमें पता चल जाए कि हम कहाँ से आए, कैसे आए, किन परिस्थितियों में आए। लेकिन जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उसमें दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि हम विष्णु की नाभि से पैदा हुए हैं, अंगूठे से पैदा हुए हैं, ठीक है, यानी कि कोरी काल्पनिक बातें, क्योंकि जो विवेकशील, तर्कशील, बुद्धि वाला व्यक्ति है वो अगर जब उन चीजों को कसौटी पे, तर्क पे उतारेगा तो वो चीजें वर्तमान के साथ फिट नहीं बैठती है। तो अब वो ये किताब भी आई। अब कुछ दिनों पहले मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा कि
कुछ हमारे समाज के लोग हमारा डीएनए कर रहे हैं, हमारे समाज से ही डीएनए, मतलब कि उसमें विवरण दे रहे हैं कि हमने इसी समाज के गांव के लड़कों का डीएनए लिया, और डीएनए करने वाली भी कोई अमेरिका की एजेंसी है। मैंने वो वीडियो 30-32-35 मिनट का है, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम क्या लेना, चलो तो उन्होंने अपने लेवल पे काम किया, अच्छा किया है बुरा किया, ठीक है एक प्रयास किया, कोई मैं उनको बुरा भी नहीं बोलूंगा, लेकिन उस डीएनए में जो वैज्ञानिक है कादियान साहब है, शायद कतलाड़ी से है, अमरीका में रहते हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि हम डीएनए में क्या निकल के आया है कि हम हजारों साल से हैं। उसमें एक और ये भी बोलते हैं वो कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो जीन है, ईरान के कुर्द कबीलों के साथ भी मैच करता है, हमारा जाटों के साथ भी कुछ मैच करता है। हमने एक और पाया कि जो सबसे ज्यादा दूध वगैरह है ना, साथ साथ 8-8 गिलास पी जाते हैं। मतलब उस डीएनए के इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें बताई जा रही है दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उसको एक बार देखें सुने, खुद ही आप डिसाइड कर लेंगे। मतलब कि ये चीज भी आज के वर्तमान के साथ फिट नहीं बैठी ना, क्योंकि ना उसमें किसी गोत्र के बारे में ढंग से बताया गया, ना तीज त्योहार के बारे में बताया गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बरादरी को 1000 साल पहले की बता रहे हो, लेकिन जनसंख्या उसकी मुश्किल से 6-7-8 लाख हुई आज, ठीक है। आप अन्य जातियों से भी पहले की बता रहे हो, मान लो सपोज करो कि उस डीएनए में आप जाट, राजपूत, यादव, अहीर, जो भी अन्य क्षत्रिय समाज इस आसपास में रह रहा है, कि हम इनसे भी पहले हैं, लेकिन वो तो आज हमारे आसपास लाखों में बैठे हैं, लाखों मतलब 20-20-30-30 लाख से ऊपर चले गए हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। मेरा मानना यह है कि ये बात भी फिट नहीं बैठी। ये मैंने आपको किताबों से आपको विवरण दिया है दोस्तों, कि किताबों में हमारे बारे में क्या छपा है, मतलब हमें कहीं से भी अपने बारे में सच्चाई जानने का अवसर नहीं मिला। ये मैं आपके सामने रखा है दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं आपको रिकॉर्ड में भी ले जाता हूं कि कुछ भाई कहते हैं कि हम 1761 से पहले यहां थे एज ए रोड, इस हरियाणा में, इस भूगोल में जहां हम आजकल रह रहे हैं। जैसे कि पहले तो एक करनाल जिला ही होता था ये, ठीक है जी, आजादी से पहले, लेकिन अब जैसे कि पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, ये तीनों जिले तो करनाल जिले में से ही बने हैं। इसके अलावा मान लो सोनीपत जिले में भी कुछ गांव है, जींद जिले में भी कुछ गांव है। ये कहते हैं कि हम यहाँ हजारों साल से हैं, तो हजारों साल से हैं तो हम यहाँ किसी ना किसी रिकॉर्ड में तो दर्ज होने चाहिए ना। जब हम दाएं बाएं अन्य जातियों को देखते हैं, उनका विवरण मिलता है रिकॉर्ड में भी, उनकी जनसंख्या का भी विवरण मिलता है, उनके नाम का विवरण मिलता है, उनके कामकाज का विवरण मिलता है, ये कामकाज क्या करते थे। लेकिन जब उनके साथ साथ उन्हीं पन्नों पर, उन्हीं किताबों में अपने बारे में सर्च करते हैं, तो हमें अपना वहां कुछ नहीं मिलता। अब मैं आपको एक किताब का नाम बताता हूं, हर्षचरित, राजा हर्ष हुआ है, कुरुक्षेत्र का ही राजा हुआ है, और उसका एक राइटर था बाण भट्ट, आप चाहें तो उसको गूगल भी कर सकते हैं, आपको वहां भी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। बाण भट्ट ने हर्षचरित एक किताब लिखी थी दोस्तों, क्योंकि राजा हर्ष के एरिया में मतलब ये राज्य आता था। अब जिस राजा का राज्य होगा व्यवस्था तो उसी ने देनी थी ना, कानून व्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था, अन्य सारी व्यवस्थाएं जो आज के टाइम में भी चल रही हैं। तो वो राजा हर्ष के टाइम में जो व्यवस्था थी बाण भट्ट ने हर्षचरित में दी थी, कि राजा हर्ष के समय में कौन कौन जातियां रहती हैं, उन जातियों का कार्य क्या क्या है, उन जातियों की जनसंख्या क्या क्या है, व्यवहार क्या क्या है, मतलब वो सारा लिखा हुआ था, उस असंख्य जातियां दोस्तों। और उस हर्षचरित को अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ है दोस्तों, उस राइटर का नाम मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूं, कोवेल एंड थॉमस, ठीक है। और ये किताब दोस्तों 7वीं शताब्दी में आई थी, 7वीं शताब्दी 700 ईस्वी, यानी कि आज कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है ना, 22 चल रहा है, तो 1300 साल पहले ये किताब आई थी, 1300 साल पहले। जब ये इतिहास इस एरिया के बारे में लिखा गया तो उस समय असंख्य जातियों का नाम था, उस किताब में कहीं भी रोड जाति का कोई जिक्र नहीं है, कोई विवरण नहीं है वो किताब। अब उसके बाद दोस्तों एक किताब आती है राज तरंगणी, जिसके राइटर का नाम है कलहण, ठीक है दोस्तों। ये जो राइटर हुआ है ये 1147 से 1149 इसके बीच में हुआ है दोस्तों, खासतौर पर इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है, लेकिन उत्तर भारत का इतिहास भी इसमें वर्णित है। इसमें दोस्तों फिर वही, क्योंकि जब उस राजा का राज्य आया, उस राजा के अंडर ही अगर ये रहा होगा, तो उस राजा ने इस क्षेत्र के अंदर रहने वाली सब जातियों का
विवरण, उनके कार्य व्यवहार सब, मतलब जो जो भी एक जाति का मतलब जीवन जीवन शैली के लिए जो भी प्रारूप होता है वो सारा उसमें विवरण दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये कब हुए 1147 में, इससे पहले वाली कब हुई 700 ईस्वी में, यानी कि 450 साल बाद ये किताब आई। उस 450 साल बाद वाली किताब में भी रोड जाति इस एरिया में नहीं पाई गई दोस्तों। अब मैं आपको तीसरी किताब बताता हूं दोस्तों, और जो तीसरी किताब मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जो वो कानून व्यवस्था प्रशासकीय व्यवस्था उस किताब में वो राजा लिख के गए ना, उस पे तो मैक्सिमम इस देश की अभी भी चल ही रही है। वो कौन था? वो था राजा अकबर। ठीक है, राजा अकबर की एक किताब हुई आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी वॉल्यूम, उसके एक तो वॉल्यूम 2 आया है। वॉल्यूम 2 में क्या है? लगान देने वाली, यानी लगान का मतलब टैक्स। और टैक्स कौन देता था? जो बिजनेस करता था, जिसकी खेती बाड़ी होती थी, इस प्रकार की जितनी भी जातियां हैं। और जो इसका राइटर है किताब का वो है अबुल फजल। जितनी भी उस समय अकबर के समय इस उत्तर भारत में लगान देने वाली जितनी भी जातियां थी, उन सब जातियों का नाम लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है, और वॉल्यूम टू और वॉल्यूम थ्री में इन दोनों में उन जातियों का नाम और उन जो जो जातियां लगान देती थी वो सारा कुछ विवरण आपको उसमें मिल जाएगा, आज भी मिल जाएगा। क्षेत्रा यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, जैसा कि हमारे आदरणीय वीरेंद्र मराठा जी, जो इस इतिहास के जनक है, जिन्होंने इतिहास की खोज की है, जब उन्होंने निकाल लिया तो कोई और भी वहां जाके निकाल सकता, बस थोड़ी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कब आई? 1597-1598। इसमें हर सूबे के जिले के प्रगने वाइज विवरण है, मतलब छोटी से छोटी इकाई का भी विवरण है। जैसे कि आज गांव होता है, ब्लॉक होता है, ठीक है, हलका होता है, जिला होता है, स्टेट होता है, इसी प्रकार इस किताब में भी ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक सारा विवरण है। ये कब आई? 1597-1598, यानी पहली 700 ईस्वी, दूसरी 1147 और तीसरी 1597, यानी 1300 साल पहले भी इस एरिया की किताब में हमारा नाम नहीं, उसके बाद 1147 वाली में भी हमारा नाम नहीं, उसके बाद 1597-1598 में जो आती है, यानी 1147 से कितने साल बाद आती है दोस्तों? ये लगभग 450 साल बाद, इसमें भी हमारा नाम नहीं। अगर अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ उपस्थित होते उस समय जब ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा था, यदि उपस्थिति किताबों में दर्ज की जा रही थी, तो हम भी जरूर इन किताबों में अपना स्थान पाते। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं है कि सभी राजाओं की दुश्मनी केवल रोड जाति से ही थी, अन्य सभी जातियों से बड़ा प्यार था। ठीक है ना बात, और ऐसे हम विद्रोही भी नहीं थे कि हम हर राजा के खिलाफ तलवार उठाए खड़े थे कि हमें इसलिए रिकॉर्ड में ही हमारा नाम नहीं आया, हम स्वतंत्र राजा ही रहते थे हर राज्य के राज्य में। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं। अब ये मैंने आपको 3 फैक्ट्स बताए दोस्तों। अब राजा अकबर के बाद कौन आता है? राजा अकबर के बाद आते हैं अंग्रेज लोग। अब अंग्रेजों ने भी सारे हिंदुस्तान पे राज्य किया, जग जाहिर बात है, इसमें कोई नई बात बताने लायक है नहीं, लेकिन कलम के पक्के थे, उन्होंने प्रशासकीय बहुत सराहनीय काम किया, जिसपे आज भी काफी कार्य है, वही कजों का तो ही बनाया हुआ है, सिर्फ आजादी मिली है, देश बदल, सत्ता हमारे देश के लोगों के हाथ में आई है, लेकिन कानून जोगी तो ही है। अब उन्होंने हमारी जाति के बारे में क्या लिखा अपने रिकॉर्ड में, वो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों। सॉरी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा परिचित करा देता हूँ दोस्तों। ये मेरे हाथ में है ना आईने अकबरी, जो 1597-1598 में अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी ना, मैं थोड़ा सा कैमरे के नजदीक लाता हूँ ताकि थोड़ा ये दिख जाए आपको, ये आईने अकबरी है दोस्तों। ठीक है, इस पे सन भी लिखा हुआ है आईने अकबरी का, ये पेज का थोड़ी पुरानी किताब है, क्योंकि अब ये इंग्लिश में भी ट्रांसलेट की जा चुकी है, और ये आईने अकबरी का एक अंदर पेज है। आप बोलेंगे ना कि हाँ हम बात कर रहे हैं, इस पेज पे सिर्फ खाली एक लाया हूं मैं, असंख्य जातियों के नाम लिखे हुए हैं, ढूंढने से भी रोड जाति नहीं मिलेगी कि रोड जाति भी इसमें रजिस्टर्ड है। ठीक है, आप भी सर्च कीजिए। जो भाई कहते हैं कि हम रोड़ी हैं, पढ़े लिखे युवाओं से, खाली नौजवानों से, मेरे बुजुर्गों से भी एक जरूर अपील है कि उनको पढ़े, ये रिकॉर्ड है नहीं आप इसमें।
अब दोस्तों जैसे कि मैं आप सभी को अंग्रेजों के बारे में बता रहा था कि वो क्या उत्तर भारत के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि हम उत्तर भारत में है ना, तो उत्तर भारत का ही जांचा जाएगा। अब दोस्तों कर्नल डोई हमारी मोटी भाषा में हमारे गांव के मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत बनाई हुई थी जो अब तो गुजर चुकी है, बड़े बुजुर्ग तो 100-150 साल पहले की पीढ़ी, उन्होंने क्या कहावत बनाई थी, जो कर गया डोई तो के करेगा कोई, उसका नाम कर्नल डोई था, अंग्रेज ऑफिसर का नाम कर्नल डोई था। दोस्तों मैं गांव दादू को रोडान से नाता रखता हूं, मेरे गांव से ही दक्षिण में जुंडला गांव है, अगर बीच के रास्ते से जाएंगे तो बहुत मुश्किल से 1.5 किलोमीटर है, और बाय रोड जाऊंगा तो 3-3.5 किलोमीटर है, और मेरी खुद की जमीन, मेरी अपनी जमीन भी, मेरी जो जमीन है वो दो हिस्सों में है, गांव दादूपुर रोडान में आती है और मेरी दूसरी जमीन जुंडला के अंदर आती है, मेरा पटवारी पटवार खाना सारा जुंडला है। दोस्तों मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, तो जो ऑफिसर था वो जुंडला में बैठा था, जुंडला में बैठ के वो जमीनें अलॉट हुई है, वो ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में फिर लोगों ने कहावत बनाई थी, क्या करेगा कोई जो कर गया कर्नल डोई। अब कर्नल डोई ने पैमाना क्या बनाया, क्योंकि जब उनके पास सत्ता आई, सत्ता आने के बाद जब उन्होंने गांव गांव गए तो उनका एक रिकॉर्ड बनाया, कोई बिजनेसमैन था, कोई खेती करने वाला था, कोई नौकरी करने वाला था, तरह तरह के लोग थे, उनको रिकॉर्ड में कैसे लिया जाए, तो जो किसान लोग थे खेतीहार लोग थे भी उनको कैसे रिकॉर्ड में लिया, क्योंकि अंग्रेजों से पहले कोई रजिस्टर्ड मतलब एक कागजी तौर पे मालिक नहीं था जमीन का, जिसके पास जो कब्जा है वो उसको बो रहा था खा रहा था, पहले के राजा लोग उनसे लगान ले लेते थे, लेकिन कागजी तौर पे वो पक्के तौर पे स्थायी तौर पे मालिक नहीं थे, ये मालिक अंग्रेजों ने बनाए, ठीक है जी, और उसको स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त। तो वो 1884 से 1904 तक हुआ, 1884 से आरंभ हुआ और 1904 तक चला दोस्तों, यानी कि लगभग कितने साल हो गए, 20 वर्ष, ठीक है। वो जो जो 1884 से 1904 तक अंग्रेजों ने जो जो भी रिकॉर्ड बनाया वो अपने इंपीरियल गजट में उसको लिखते चले गए कलम से। आपको अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, मैं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बताऊंगा क्योंकि मेरे पास है, हो सकता है वो अन्य जगहों पर भी उपलब्ध मिलेगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको आसानी से वो चीजें वहां पर उपलब्ध है, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। उसमें क्या कह रहे हैं वो, अब कैसे जमीन दे, सभी को कैसे जमीन दे, क्योंकि अंग्रेजों के साथ सभी जातियां नहीं थी, ये अंग्रेज लोग भी जानते थे कि सभी ने उनका साथ नहीं दिया, कुछ लोग उनके खिलाफ भी थे, आंदोलन में भी खिलाफ थे, कुछ हमेशा वैसे भी खिलाफ रहते थे, तो अंग्रेजों ने खेती वालों को सबसे एक विशेष तौर पर यही पैमाना बनाया कि जो जाति से क्षत्रिय है, अब जाति से अक्षत्रिय है, अंग्रेज किसी को अक्षत्रिय का लेबल कैसे दे सकते हैं कि तू अक्षत्रिय है तू अक्षत्रिय नहीं है। अब उन्होंने उस अक्षत्रिय शब्द के लिए वही पुरानी किताबें उठाई जो उत्तर भारत के लिए पहले से ऑलरेडी बनी हुई थी, कि उत्तर भारत में किस किताब में यह वर्णन मिलता है कि जिसमें कि इस एरिया की सभी अक्षत्रिय जातियों का नाम लिखा हो, ठीक है। तो जब उन्होंने उत्तर भारत में अक्षत्रिय जातियों वाली किताबें उठाई तो उसमें सिर्फ 36 ही अक्षत्रिय जातियों का नाम लिखा हुआ था, तो अब उसमें हम नहीं थे। अब जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी उस समय रहे होंगे, जो एडवांस थे, एडवांस भी तो होते हैं ना, हर घर में भी होते हैं, समाज में हर मोहल्ले में होते हैं, जो 50-100 साल आगे की सोच के पहले चलते हैं, जो बुद्धिजीवी थे, या ये मान लो कि उनके सूत्र थे, एक दूसरे समाज के साथ वो जुड़े हुए थे, तो उनके पास ये सूचना पहले ही पहुंच गई थी, अंग्रेजों ने यही पैमाना बनाया हुआ है कि जमीन उन्हीं को दी जाएगी जो जाति से अक्षत्रिय है, अदरवाइज उनसे जमीनें अब छीन ली जाएगी, ठीक है। तो हमारे इसमें अमीन गांव से जो हमारे बुजुर्ग हैं, सॉरी मैं थोड़ा अभी उसका जल्दी जल्दी में नाम जो है उनका नाम करेक्ट नाम मैं भूल गया हूँ, और मैं गलत नाम यहाँ पे लाइव में बोलना नहीं चाहूंगा, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, नाम भूल गया हूँ। अमीन गांव के जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने अपने कुछ मित्रों राजपूतों की मदद से और कुछ ग्रोंडा के जो उनके मित्र थे बनिए जिनपे वो अपनी खेती की जमीन की मतलब जो फसल डालते थे जिनसे पैसे का लेन देन था, उनकी मदद से उन्होंने जग्गे भाटो से संपर्क किया राजस्थान में जाकर, ठीक है, राजस्थान में जग्गे भाटो से संपर्क किया कि
अब जग्गे बाटा में डायरेक्ट क्यों जाने, जग्गे बाटो के पास तो पहले ही राजपूत या अन्य जातियों का वर्ण है, वो तो उनके लिए कार्य करते आ रहे थे, उन्हीं से उनका भरण पोषण चल रहा था, हमें क्यों ले वो। ठीक है, हमें उन लोगों की मदद से लिया गया। अब जग्गे बाट कोई हमारी रिश्तेदारी में तो थे नहीं कि वो रिश्तेदार आए हैं, चलो भाई रिश्तेदारी में हमारी बात मान लेंगे, हमारे लिए काम कर देंगे। लेकिन जग्गे बाटो ने एक लालचवंश हमारे लिए काम किया, क्या काम किया, उन्होंने एक झूठी वंशावली अपने रजिस्टरों में दिखाई अंग्रेजों को कि हमारे पास तो 7, 8, 9, 10 पीढ़ियों का पहले से इनका रिकॉर्ड चलता आ रहा है, ये तो अक्षत्रिय जातियों से बिलोंग करते हैं। अब जग्गे बाट भी एक किस्म से अंग्रेजों ने क्या है उसको एक पैमाना माना भी, हाँ ये जो बोल रहे हैं, पुराने लिख रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लिख रहे हैं, उसको भी एक पैमाना मानकर लोगों को ये चीजें दी हैं। तो अब जग्गे बाट हमें क्यों काम करेंगे फ्री में, उसकी आवाज में उन्होंने हमारे बुजुर्गों से ये शर्त रखी कि हम आपके इस कार्य के एवज में हर साल आपसे पैसा लिया करेंगे, या पैसे के एवज में आप हमें फसल का अनाज का अंश दिया करोगे, जिसके लिए वो हमारे गांव में आते थे, एक ही जगह बैठते थे और एक घर से वो अनाज एकत्रित करके लेके जाते थे। और 20-25 साल से जिस दिन से मराठा इतिहास निकल के आया, मेरी तरफ से तो कम से कम मेरे जो एरिया है, मेरा जो गांव है करनाल जिले का, इस तरफ वो नहीं आ रहे हैं, ना हमने कभी देखा है। तो उसको पैमाना बनाया गया। ठीक है, अब ये बात हम सच क्यों माने कि ये मराठा ललित दादूपुर इस बात को लाइव आके बोल रहा है कि ये बात सच है, ये बात क्यों सत्य मानी जाए, वो इसलिए सत्य मानी जाए कि उसके लिए भी मैं अभी आपको प्रूफ दूंगा। वो प्रूफ क्या दोस्तों, वो प्रूफ है ये, थोड़ा नजदीक से देखिए, द इंपीरियल गजट ऑफ इंडिया, नीचे ऊपर हेडिंग है इंपीरियल गजट ऑफ इंडिया और नीचे यहां 1908, थोड़ा मैं नजदीक से दिखा देता हूं, ये 1908 और ये इंपीरियल गजट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो दोस्तों ये इसका मैंने आपको मुख्य पृष्ठ दिखाया है। अब जब मैं निकाल सकता हूं तो आप लोग भी निकाल सकते हैं ना, कोई खास बात तो है नहीं। इंपीरियल गजट 1908 के पेज नंबर 51 पे जाइए, 51, ये रहा 51, आपकी जानकारी के लिए दिखाता हूं 51। ये मैंने इसमें दोस्तों वैसे तो काफी जातियों का नाम लिखा हुआ है, मैंने पेन से अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए आप सब, और मैं इस अंडरलाइन को ही पढ़ूंगा। ठीक है, जो मैंने पेन से अंडरलाइन किया हुआ है, समय की नजाकत को देखते हुए, ताकि हम सिर्फ अपने ही टॉपिक पे रहें। इसमें क्या कहते हैं अंग्रेज लोग, दी रोर्स ब्रैकेट में लिखा है 42,000 ओवन 17.5% एंड आर ऑलमोस्ट ऑल हिंदूज, दे सीम ओरिजिनली टू हैव हेल्ड their hands as descendants of Rajput। दोस्तों ये मैंने जो अभी आपको लाइन पढ़ के सुनाई है, ये अंग्रेज लोगों ने नोट लगाया हुआ है। ठीक है, अब इस नोट की मैं आपको हिंदी करके बता देता हूं, क्योंकि जो आज हम लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं ना, ये मैं हरियाणा में रहने वाले रोड मराठों के लिए नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये मैं अन्य जातियों के लिए कर रहा हूँ जो हमारे आसपास रहती हैं, क्योंकि वो भी तो जानने की इच्छुक हैं कि जो जाति कल तक हमारे आसपास रह रही थी, जो रोड 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 बोलती थी, वो आज एकदम से मराठे कैसे हो गए, या हरियाणा से बाहर इस पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में। ठीक है, जो भी हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं कि रोड मराठे कैसे हैं, ये इंटरव्यू हम खास तौर पर उन लोगों के लिए कर रहे हैं कि हम ही रोड मराठे क्यों हैं। अब मैं इस लाइन में अंग्रेज लोग क्या कह रहे हैं कि जो रोड है इनकी जनसंख्या 42,000 है। ठीक है, और सभी के सभी हिंदू हैं, और करनाल जो प्रगना है, यानी कि उस टाइम दोस्तों सिर्फ जिला करनाल ही था 1908 के टाइम में, दूसरे जिले नहीं थे जिसमें आज हमारी जाति रह रही है, ये तो अब बने हैं। इनका 17.2% धरती पर मालिकाना हक है, कब्जा है। ठीक है दोस्तों, और हम इनको जमीन है ना तब दे रहे हैं, या इनको जमीन का मालिक तब बना रहे हैं जब इन्होंने अपने आप को राजपूतों का वंशज कहलवाया।
ठीक है दोस्तों, अब मैं अपनी उसी पुरानी बात पे लौटता हूं भी, जग्गे बाट वाली पे भी, राजपूतों का वंशज कहलवाया ये अंग्रेज लोग कह रहे हैं, लेकिन वो हमें तो डायरेक्ट जानते नहीं और कोई इतने खास एजुकेटेड लोग उस टाइम होते भी नहीं थे कि अंग्रेजों से अंग्रेजी में बात सके, ज्यादातर मैक्सिमम तो ही अनपढ़ ही होते थे। तो वो बीच की कड़ी कौन थी जो ये अंग्रेज लोग कह रहे हैं कि राजपूतों का वंशज कहलवाया, तब हमने इनको जमीन अलॉट की, तो वो बीच की कड़ी कौन थी दोस्तों? जग्गे भाट। इसलिए वो जग्गे भाट आए हैं, समझ में आई दोस्तों? ये अंग्रेजों का जो नोट लगा हुआ है यही इस बात को स्थापित कर रहा है, ये मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है। अब इस का एक पेज और है इंपीरियल गजट का दोस्तों, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, ये देखिए आप, करनाल डिस्ट्रिक्ट अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां ये करनाल डिस्ट्रिक्ट दिख पा रहा है सावन जी? करनाल डिस्ट्रिक्ट ये देखिए, ये देखो दिख रहा है, और पार्ट वन इसका दोस्तों जो ये करनाल डिस्ट्रिक्ट का मैंने पेज क्यों दिखाया, इसमें अंग्रेज लोग ये बता रहे हैं कि जब ये क्षेत्र हमारे कब्जे में आया, जब हम इस क्षेत्र पर राज्य कर रहे थे, तो इस क्षेत्र में क्या क्या था, कोई समुन्द्र था, नदी था, नाला था, जंगल थे, ठीक है, इस प्रकार की बातों का वो इसमें विवरण दे रहे हैं। और इसमें बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र और पानीपत के बीच में डाक के जंगल थे, और 221 गांव टोटल है, इसमें 178 बेचिराग हैं, बेचिराग उजड़ चुके थे, ठीक है, और 43 बसे हुए थे, ये हम नहीं कह रहे, अंग्रेज लोग कह रहे हैं, और इन्हीं गांव में जाकर रोड बरादरी आगे ज्यादातर मिलती है, ठीक है दोस्तों। एक ये मैं इतिहास के फैक्ट्स प्रूफ दे रहा हूं आपको, तो ये अंग्रेजों को हो गया कि हम इन्हीं गांव में क्यों पाए जा रहे हैं, क्योंकि तो अंग्रेज लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे 221 गांव टोटल थे और इतने ही गांव बेचिराग थे और बाकी गांव में बसे हुए थे लोग। अब मैं एक लास्ट फैक्ट और आपको देता हूं, ये मैं आपको दोबारा नजदीक से दिखा रहा हूं, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर केसी यादव, प्रोफेसर इतिहास विभाग और क्षेत्र यूनिवर्सिटी, मैं आ पा रहा सही से, ठीक है। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये दिखाया मैंने ये किताब, इस किताब का मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं, ठीक है जी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करनाल सेक्टर 14, मैं खुद विद्यार्थी हूं इस किताब इस इतिहास का, ठीक है, इस सब्जेक्ट का, अगर किसी भाई को कोई शक हो तो वो मुझसे पर्सनली भी मिल सकता है, लेकिन तब मुझे ये जानकारी नहीं थी क्योंकि बच्चे थे कि ये, और ना ही मराठा इतिहास उस समय निकल के आया था जब हम ग्रेजुएशन कर चुके थे, लेकिन आगे चल के मुझे पता लगा ये तो हम मुझसे वैसे भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसमें ये डॉक्टर केसी यादव क्या कहता है हमारी समाज के बारे में, और ये किताब आज भी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे हमारे समाज के जो हरियाणा के हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो ये नहीं मानते हैं कि हम मराठा नहीं है, उनसे मैं एक अपील, मार्मिक अपील अभी करना चाहूंगा, अगर आप लोगों को लगता है कि हम मराठा नहीं है, ये तो एक सब्जेक्ट है, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में अभी भी चल रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के तो चारों तरफ ही आप रह रहे हो, कुरुक्षेत्र में आप बैठे हो, तो पहले तो इसको तो चैलेंज करो ना, ठीक है जी। तो अब इसमें डॉक्टर केसी यादव क्या कहता है कि ये जाति है 1761 से पहले इस एरिया में नहीं पाई जाती, ये 1803 के बाद पहली बार यहां देखने को मिली है, और इसका मुख्य केंद्र गांव अमीन है। अब ये दोस्तों ये भी हम नहीं कह रहे, ये भी रिकॉर्ड कह रहा, ठीक है दोस्तों, बात ये मैंने आपके सामने हर तरह का एक रिकॉर्ड रखा है, थोड़ा सा बस मैं आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो रखेंगे कि हम रोड क्यों नहीं है और हम मराठा क्यों हैं, हम इस विषय को अगले वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों, ताकि वीडियो लंबा ना जाए। अब मैं इसमें से एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों,
लास्ट इंपीरियल गजट ऑफ इंडिया से। दोस्तों अंग्रेज बोल रहे हैं ये बात कि 1908 में हमारी जनसंख्या 42,000 है, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, उन्होंने जनगणना करवाई है। वैसे जनगणना हमारी 1911 में हुई थी फर्स्ट टाइम, और दोबारा जनगणना हमारी 2001 में हुई है। अगर दोस्तों थोड़ा बहुत कहो मेरा आंकड़ा गलत भी हो जाए इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि सभी मैं लिख के नहीं लाया हूँ, थोड़ा सा जनगणना करेक्ट 1911 में हुई थी या 14 में हुई थी, लेकिन मैं 1908 को बेस बना रहा हूँ अपनी बात का। अब वो कह रहे हैं कि जनसंख्या 42,000 है, ये कब बोल रहे हैं अंग्रेज, 1908 में। अब मैं आपको यहां पे लाता हूं, ठीक है, और 2001 में भारत सरकार ने जनगणना करवाई, लगभग यानी कि 100 साल मान लो आप, वैसे तो ये कोई लगभग 92 साल बने, फिर भी मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूं, आंकड़ा था कि आसानी से निकल जाए और दर्शकों को आसानी से समझ में आ जाए। वो कह रहे हैं कि 1908 में कह रहे हैं 42,000 जनसंख्या, 2001 में 6,00,000। अब दोस्तों मैं 1908 की जगह 1901 मान रहा हूं, ठीक है, वही 42,000 ही मान रहा हूं, 100-200 का ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। 1901 से 2001, अगर उस 42,000 से हम 6,00,000 तक गए तो हमारे जो बढ़ने की दर है वो दोस्तों 7.14%, ठीक है, यानी कि 7.14% हमारी वृद्धि दर है बरादरी की बढ़ने की 100 साल में, ठीक है। अब मैं 1901 से 1801 पीछे जाता हूं 100 साल, अगर हम 1901 में 42,000 हैं तो हम 1801 में कितने थे, जो गणित के विद्यार्थी हैं वो इसको आसानी से निकाल लेंगे, सौभाग्यवंश मेरा भी गणित अच्छा है, तो हम 100 साल पीछे चलते हैं, यानी कि 1801 में हम कितने थे, वही पैमाने से हम 2998 निकल के आते हैं दोस्तों, 2998, और 1801 से 1761 यानी कि 40 साल पीछे कितने थे, वही पैमाना रखें 500 से 700, वैसे तो करेक्ट 535 आ रहा है, यानी कि हम 500-600 ही थे, और ये चीज कहां चलेगी, उस युद्ध पे चलेगी, वाक्य में 500-600 जब बरादरी में इतने ही बच्चे सैनिक और उनसे ही हम बने हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आज आपसे प्रूफ से ही बात की है और आपके सामने प्रूफ रखे हैं, आप भी कोशिश करिए कि आप इनको जुटाएं, इनको पढ़ें, आप थोड़ा तर्क शक्ति बढ़ाएं, सभी से किंतु और परंतु जरूर प्रयोग करें, ठीक है, और बाकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समय रख के दूसरी चीजों पे आएंगे कि हम रोड़ी मराठा क्यों हैं, हमारे अंदर मराठों वाले क्या लक्षण क्या चीजें पाएगी कि हाँ हम ही मराठे हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम सभी से इजाजत चाहेंगे, सभी साथियों की तरफ से जय श्री राय।